साहेब जियो, तरन सुवनी खड रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन वठा, सबे काज सुखेलड़े थिए, गोर नानक सत गुर तुठा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। वालिए कुल आलम सर्वरे कायनात, दो जहान ते वाली हजूरे अनवर नूरे चिराग, भगत वशल कृपा निदान, कोट ब्रह्मंडा ते मालक, जगत गुरु शब्द गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ती, पावन पवित्र निक्की गोद के विच जुड़ बैठे वड भागी सत्संग की जनो, सतगुरु जी की अपार कृपा सदका, गुरु साहब जी के पावन पवित्र चरण कमलों के विच जुड़ बैठ के, जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर ते मेहर दा मेक बरस रहा है, इस दे विच अनंत मानन का सुभाग प्राप्त होया है। आओ दौड़ते भजते मन नूं सतगुरु जी के चरण कमलों के विच जोड़दिया होया, असीसा दास की झोली के विच पाओ, ताकि तुहाडियां असीसा सदका इलाही बाणी की विचार तुछ बुद्धि ते द्वारा सांझी कीती जा सके। फतेह ते रूप दे विच सारी असीसां त्यो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने अमृतमई बचना ते द्वारा गुरु के सिख नूं इह जुगती समझाई है। गुरु के सिख नूं संसार दे विच इह रस्ता समझाया है। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी अमृतमई बचना ते द्वारा समझाते ने, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु साहब जी ने अमृतमई बचना के द्वारा समझाया कि गुरु के सिखो, गुरु के दसे रस्ते ते चलो, जिस मार्ग ते चलन के लिए गुरु कहता उस मार्ग ते चलो।
उस मार्ग ते चलिया सानो संसार ते विच सुख भी प्राप्त होण के जीवन भी सपला होवेगा। गुरु ते दसे मार्ग ते चलदियां जीवन ते विच किसे तरह का कोई दुख भी नहीं आवेगा, किसे तरह की कोई चिंता भी नहीं आवेगी। जदों गुरु साहब जी ते दसे रस्ते ते असी चलांगे, एक गल गुरु साहब जी के चरणों के याद रखे हो, मनुखी जिंदगी के बंदा संसार के दौड़ भाज करके अपनी जिंदगी के बहुत कुछ इकट्ठा करता है। इस दुनिया के बंदा अपने पल्ले के बहुत कुछ संभाल के रखता है। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। कोई मनुख अपनी जिंदगी दे विच चाबियां इकट्ठियां करता रहे और चाबियां तां इकट्ठे कर करके ढेर बना लवे, गुरु साहिब जी दे चरणां दे विच खिमा दी जाचना करां। सानू एक ही जाचनी, जिंदगियां बीत जांदियां ने, गुरु नानक साहिब जी दे घर दे विच बैठना किवें। जे असी आप एकाग्रता गुरु साहब जी के चरणों के नहीं ना बख्शिश कर सकते, घटो घट दूजिया दिया बिरतियां खिंडाने के वास्ते जतन ना करिए। गुरु साहब जी के चरणों के याद रखियो, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जुगती समझाई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर से जात रखियो, बंदा अपनी जिंदगी के चाबियां के ढेर के ढेर इकट्ठे करके रख ले। उन्हां चाबियां के एक भी चाबी ताला ना खोल सकती होवे, वो चाबियां किसी काम दियां नहीं। चाबी एक चाहीदी है, पर वो चाबी चाहीदी है जिस दे नाल ताला खुल सकता होवे। हजारां दी गिणती जिंदगी दे विच कीती होवे पर ताला खुल ना सकता होवे, एक भी चाबी ते द्वारा वो हजारां चाबियां संसार दे विच किसी काम दियां नहीं। इसे तरह याद रखियो, बंदे दी जिंदगी दे विच दीवियां दी गिणती हजारां दे विच होवे पर उन्हां दे विच्चों एक भी दीवा जगता ना होवे, संसार दे विच एक भी दीवा बलता ना होवे। वो हजारां दीवे किसे काम ते नहीं, किसे बंदे नूं रस्ता नहीं दिखा सकते, संसार दे विच किसे नूं मार्ग नहीं दिखा सकते। दीवा एक चाहीदा, पर वो चाहीदा जिहड़ा संसार दे विच जगिया होवे। एक जगिया होया दीवा हजारां बंदियां नूं संसार दे विच रस्ता दिखा देवेगा, हजारां लोकां दी जिंदगी दे विचों अंधेरा दूर कर देवेगा। जहर दियां पुड़ियां दी गिणती हजारां दे विच होवे, जहर दी पुड़ी कदे भी किसे नूं अरोगता नहीं दे सकती, संसार दे विच किसे नूं तंदरुस्ती नहीं दे सकती। दवाई दी पुड़ी होवे पर जिंदगी दे विच इक होवे। गुरु के सिखा गुरु के चरणों के याद रखी, अपनी जिंदगी के हजारा सिक्ख्यावां इकट्ठियां करके तुरन वालिया गुरु साहब जी के चरणों के बचन पल्ले के बन लै, वह दुनिया भी हजारा सिक्ख्यावां जिंदगी के किसी स्थान पर कम नहीं आउंदियां। गुरु नानक साहब जी के चरणों के आके गुरु की एक सिक्ख्या लै लै, जिस दिन गुरु साहब जी के चरणों के एक सिक्ख्या लवेगा उस दिन तेरी जिंदगी के तैनों सब कुछ भेद समझ आ जाणगे।
गुरु नानक साहब जी के घर के एक सिक्ख्या प्राप्त कर ले, गुरु नानक साहब जी के चरणों के गुरु का एक उपदेश धारण कर ले, गुरु नानक साहब सत्य पातशाह जी ते आपां बचन पढ़ते हाँ, सतगुरु सत्य पातशाह जी कहते ने गुरु के चरणों के आ के पढ़ के वेख तैनू गल सहज समझते आ जाएगी। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरु साहब जी कहते जे गुरु के चरणों के आ के गुरु साहब जी के चरणों के ध्यान जोड़ के गुरु की एक सिक्ख्या सुन लवे तो तेरी इस मत के विच गुरु की सिक्ख्या के द्वारा कीमती रतन प्रगट हो जाण के गुरु की कृपा से सदका तेरे जीवन के विच सुख उपजण के तैनू गुरु साहब जी के चरणों के विचों सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तइयों गुरु साहब जी ने धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने गुरु के सिखा नूं समझाया, कहन लगे गुरु के सिखो गुरु के दसे रस्ते ते चलो, जिस रस्ते ते चलन ते वास्ते गुरु कहिंदा उस रस्ते ते संसार ते विच चलो। हुण गुरु के रस्ते ते चलिया सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जीवन भी सफला होवेगा, जिंदगी दे विच आनंद भी उपजेगा। गुरु साहब जी का बचन पढ़ के वेखो, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिहड़ा गुरु के हुक्म के विच चलता, गुरु साहब जी के दसे रस्ते ते चलता, उसका जीवन किहो जिहा है। हसुर कहते ने तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुर पाए, जेडे गुरु के भाने के चलते ने गुरु के दसे रस्ते ते चल के अपना जीवन बतीत करते ने। सतगुरु सत्य पातशाह जी कहते उनका जीवन संसार के सफला हो जाता है। कुल उतारे अपना धन चने की माए, गुरु साहब जी कहते भी अपना ते उतार करती ने संसार के विच, वो अपनी कुलता भी उतार कर लेंदे ने संसार के विच, उन्हां दी मापी तंतां ते जोग है जिसने संसार के विच ऐसे मनुख नूं जन्म दिता जिहड़ा गुरु साहब जी के भाने के विच चलता, गुरु साहब जी के दसे रस्ते ते चलता है। हुण इक ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भी गुरु साहब जी के दसे रस्ते ते चलिया जीवन संसार के विच सफला हुंदा है। गुरु साहब जी ने एक गल होर समझाई है, कहन लगे जिहड़े गुरु साहब जी के भाने के विच नहीं चलते, गुरु के दसे रस्ते ते चल के जीवन बतीत नहीं करते, आ तैनू उन्हां दे जीवन के बारे भी समझातिया भी उन्हां दी जिंदगी किहो जिही है। सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के बचन हर रोज गुरु साहब जी के चरणों के आप पढ़ते हाँ, गुरु साहब जी के चरणों के सुनते भी हाँ, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भी वेख एक किसान ने खेत के तिल बीजे ने, खेत के तिल बीजे, वह खेत के तिलों के बूटे उग के तैयार हो गए। उस खेत के कुछ तिलों के बूटे ऐसे भी उगे ने जिन्हों मालक ने नहीं बीजिया, हुण जिन्हों तिलों के बूटिया मालक ने नहीं बीजिया वह भी खेत के उगे ने, तो भी खेत के उगे ने जिन्हों मालक ने खेत के बीजिया है। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उदाहरण दिती, कहन लगे भी तुसीं वेखो कमाल की खेड है, जिन्हें मालक ने तिल बीजे सन उन्होंने अपनी मर्जी के नाल उगण वाले तिलों के बूटे कहते पे ने, वो कहते वेखो तुहाडे विच ते साडे विच किसी तरह का कोई अंतर नहीं, जिवें कई बार सुभाविक तौर पर मनमुख बंता गुरमुख बंते नूं एक गलबात करदिआं कह दिंदा है भी तुहाडी जिंदगी दे विच साडी जिंदगी दे विच किसे तरह का कोई अंतर नहीं। उसनों दुनिया भी वृत्ती के द्वारा वेखते हाँ, किसी तरह का कोई अंतर नहीं दिखाई दिता, कोई फर्क उसनों नहीं नजर आता,
पर इत्थे गुरु साहिब जी के चरणां ते विच्चों आके तुसी पैमाना लैके वेखो भी तोवां ते जीवन ते विच फर्क की है। हुण ओह तिलां ते बूटे कहण लगे भी तुहाडे विच ते साडे विच अंतर कोई नहीं। हाँ एक अंतर है, तुसी मालक ते अधीन हो, तुहानूं मालक ने बीजिया, असी अपनी मर्जी ते मालक हां। पर वेखो मालक जदों पानी दिंदा तुहानूं भी प्रापरता पानी दिंदा, जदों खाद पाउंदा सानूं भी प्रापरती खाद पाउंदा है। मालक गोडी करता तुहाडी भी बराबर गोडी करके जांदा, साडी भी बराबर गोडी करता है। जे मालक किते राखी करता तुहाडी भी राखी करता, साडी भी राखी करता है। जिहड़े मालक ते बीजे होए तिलां ते बूटे सन कहण लगे भी सजना इत्ते जदों समा आवेगा उदों पता लगेगा तुहाडे विच ते साडे विच अंतर की है, दोवां दे विच फर्क की है। तिलां ते बूटे सहजे सहजे पक के तैयार होए, जिन्हां तिलां ते बूटियां नूं मालक ने बीजिया सी उह पक के प्रफुल्लत हो के तैयार हो गए। ते जिहड़े तिलां ते बूटे आपे उगे सन ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। खेत के विचों उन्हां नूं पिंटां ते आले दुआले ते लोक वढ़ के लै के चले गए, लिजा के उन्हां नूं घर दे विच संभाल के नहीं जे रखिया, उन्हां नूं बालण की थां ते लिजा के घरां दे विच बालिया है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे सुन, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। जेड़ा बंदा गुरु साहिब जी के चरणों के विच आ के भी गुरु नूं नहीं चेते करता, अपने गुरु साहिब जी के हुक्म नूं नहीं याद करता, अपने मन के विच बड़ा सुचेत रहिंदा, मन के विच बड़ा सावधान रहिंदा है। बंदे ते इको हालात ने, वह अपने मन के विच सोचता भी मैं ते संसार के विच बहुत सियाणा, मेरे वर्गा ते समझ वाला इस संसार ते विच कोई नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे सुन, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंचै अंतर खेत, खेतै अंतर छुट्टिया कौ नानक सौ ना, फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच सवा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे भी भावे वह जिन्ने मर्जी प्रफुल्लत होए ने, अंत नूं उहनां ते तन ते विच केवल सवा दिखाई दित्ती है, होर किसे तरह तां कोई उहनां ते तन ते विच फल नहीं जे दिखाई दिंदा। गुरु साहब जी ने अमृतमी बचना ते द्वारा समझा दिता, गुरु साहब जी के हुक्म के विच चलन वालिया ता जीवन संसार ते विच सफला हुंदा, जिहड़ा गुरु साहब जी के हुक्म के विच नहीं चलता उस ता जीवन संसार ते विच उन्हां तिलां ते बूटियां वरगा हुंदा है जिहड़े प्रफुल्लत ते हुंदे ने पर उन्हां ते जीवन के विच केवल सुआ दिखाई दिंदी है। ਤਾਂ गुरु साहब जी ने अमृतमी बचना ते द्वारा समझाया, कहिंदे गुरु के सिखा गुरु ते दसे रस्ते ते चल, जिस रस्ते ते चलन वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे उस मार्ग ते चल, उस मार्ग ते चलिया संसार ते विच जीवन सफला होवेगा। गुरु साहब जी के चरणों के विच एक गल याद रखियो, इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक गल होर समझा दित्ती है। हजूर कहते भी गुरु के चरणों के आने वाले इस गल नूं ध्यान दे विच रखी, सो सिख सखा बंतप है भाई जे गुर के भाने विच आवे, आपने भाने जो चले भाई विछुड़ चोटा खावे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जेड़ा गुरु के भाने के विच चलता, गुरु साहब जी की मर्जी के अनुसार चलता, वह गुरु का सिख भी है, गुरु का पुत्र भी है, गुरु का मित्र भी है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते गुरु के भाने के विच चलन वाला ते
गुरु का साख संबंधी भी कह, गुरु का पुत्र भी कह, गुरु का मित्र भी कह, सब किच है। पर चात रखियो आपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। जेड़ा गुरु साहब जी ते चरणा तो विछड़ के अपने दसे रस्ते ते चलता, वो थां थां ते गुरु के प्यारे वो संसार ते विच चोटा खांदा, उसनू दुखां दा सामना करना पैंदा, किसे तरह का कोई सुख नहीं मिलता। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अमृतमी बचना ते द्वारा समझाया, कहिंदे गुरु के सिखा गुरु के हुक्म ते विच चल। जिस रस्ते ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी चलन वास्ते कहिंदे ने, उस रस्ते ते तू चल, फिर तेरा जीवन संसार ते विच सफला होवेगा। इत्थे जात रखियो गुरु साहब जी के चरणा ते विच, जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म ते विच चलते ने, गुरु साहब जी के बचना कमाते ने, उन्हों का जीवन कदे तक के वेखो। इतने तो सेहत भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एको जी दिती भी गुरु साहब जी के दसे रस्ते ते चलना किवें। सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहब की धरती ते ने, जात रखियो गुरु के हुक्म के चलन की सानू जात भी गुरु के सिखा जीवन के आती है। भी गुरु के हुक्म के गुरु के भाने के चलना किवें, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उपदेश कमाना किवें। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहब की धरती ते ने, कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणा के विच दूर दुरेटे तो चल के गुरु के सिख सतगुरु जी के दर्शन के वास्ते आते हैं। गुरु साहब जी के चरणा के विच आ के सतगुरु जी के दर्शन करते ने, गुरु साहब जी की अमृतमी बाणी गुरु साहब जी के चरणा के विच जुड़ बैठ के सरवण करते ने। कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी बैठे ने, हजूर के चरणा के चल के एक सतगुरु सच्चे पातशाह जी का प्यारा सिख आया है, जिसका नाम है इतिहास के भाई सुजान करके। इसने कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरणा के नमस्कार की, मत्था टेकया। मत्था टेक के गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणा के बैठ गया। नाम इसका भाई सुजान है, ये वैद्यकी का काम करता, लोगों का इलाज करता है। जेड़े रोगी होते ने उन्होंने रोगों के वास्ते दारू दिता, संसार के औषधि दिता है। कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणा के बैठा सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर्शन कर रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सीधे वाल देखा, देख के कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने सवाल किया, हजूर कह लगे भी वैद सुचान की कुछ कर रहे हैं। तो वैद सुचान कहता, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी तुहाडे चरणा के विच बैठ के तुहाडे दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बचन किए, कह लगे भी वैद सुचान तेनू दर्शन करन की जांच आती है। भी कमाल की गल, असी गुरु के चरणा के विच आते हाँ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर ते पहुँचते हाँ, असी भी तो गुरु के दर्शन करते हाँ। कदे विचार के वेखिया भी दर्शन करन की भी कोई जांच है, दर्शन करन का भी कोई संसार के ढंग है। वैद सुचान गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने पूछया, कहन लगे भी वैद सुचान तेनू दर्शन करन की जांच आती है। इसने सिर झुकाया, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने हाथ जोड़ के कहा, सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिवें तुसी कृपा करते हो तिवें तुहाडे चरणां ते विच आ के दर्शन कर लैना, तुहाडी कृपा दर्शनां ते लई। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी कहण लगे, जा वैद सुचान असी किसे दिन परख के वेखांगे तैनू दर्शन करन की जांच आउंदी है कि नहीं आउंदी। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहण लगे वेखांगे
तैनू दर्शन करन दा ढंग आउंदा कि नहीं? गुरु साहिब जी दे चरणां दे विच दर्शन किवें करी तेने? ये गुरु साहिब जी दे चरणां दे विचों दर्शन करके अपने घर नूं वापस चला गया। कीरतपुर साहिब की धरती ते बिल्कुल नजदीक सता घर सी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने कुछ दिन बाद वैद सुजान ते घर खबर भेजी है, गुरु के सिख नूं भेजिया। गुरु का सिख कलकी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों के विचों चल के वैद सुजान के घर पहुंचे है। वैद सुजान ने गुरु के सिख नूं देखिया, मान सत्कार किया, आओ भगत की घर के विच बिठाया है। तो वैद सुजान कहन लगा भी दस गुरु के सिखा, कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों के विचों आया? ते वैद सुजान ने सिर झुका के गुरु के चरणों वल वचन किए, कह लगा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने भेजा। दस ते सही गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने की हुक्म किया? ते ए गुरु का सिख वैद सुजान नूं कहिंदा, कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, वो वैद सुजान नूं कह देवी के असी वैद सुजान ते घर आवांगे। कल नूं कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने तेरे घर आना है, अज खबर भेजी है। गुरु के सिख ने कन्ना ते द्वारा खबर सुनी, खबर सुनतियां सार मन चाओ भया प्रभ आकम सुनिया, हर मंकल काओ सखी ग्रह मंत्र बनिया। गुरु ते चरणा की खबर सुनतियां सार मन इको दम कवल ते फुल की तरह खिड़किया, हिरदे ते विच आनंद चाकिया। गुरु साहब जी के चरणा ते विच जुड़ के गुरु का शुकराना किया, कहन लगा ओ मेहरा ते साईं तुसी कृपा करो, रहमत करो, कल नूं घर दे विच आ के चरण पावो। वैद सुजान नूं खबर मिल गई, नाल गुरु के सिख ने दसिया भी कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी आउण के, नाल उन्होंने हुक्म किया भी नाल सिंह भी होण के, ते कल दा प्रसादा पानी तेरे घर आ के छकण के। मन ते विच होर ज्यादा खुशी भी गुरु साहब जी कल नूं प्रसादा पानी भी घर ते विच आ के छकण के। तैयारी की, कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने घर के विच आना है। रात में सारी रात तैयारी करता रहा, गुरु साहब जी के चरणों के विच अपना ध्यान जोड़िया। रात सारी बतीत हो गई, दिन चढ़िया, दिन चढ़तियां सार गुरु साहब जी के अमृतमी बचना तो इसने जाप जपना शुरू कर दिता। घर के विच बैठा अमृत वेले सवेर के वक्त गुरु साहब जी की अमृतमी बाणी पढ़ रहा है। दरवाजे ते बिरत माई ने आके दस्तखत दिती, आवाज दिती, कहन लगी भी वैद सुजान तू घर के विच मौजूद है? वैद सुजान ने आखिया, हां माई घर के विच ही मौजूद हाँ। घर के विच आके उसने वेखिया, वैद सुजान ने चंकी तरह तैयारी की। माई ने पूछ लिया भी बहुत तैयारी की कादे वास्ते? ते वैद सुजान कहिंदा, अज कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने आना है। उन्हां दी उडीक दे विच बैठा गुरु साहब जी के चरणों के विच ध्यान जोड़िया होया। ते बिरत माई ने सवाल करके पुछया, कहिंदी वे एक गल दस, गुरु साहब जी के चरणों के नाल किन्ना कु प्यार है? सतगुरु सच्चे पातशाह जी के घर के नाल किन्नी प्रीत है? कहिंदा, माई मैं अपना आपा गुरु साहब जी के चरणों ते कुरबान कर दियांगा, वार दियांगा। ये गल सुन के बिरत माई ने वैद सुजान नूं बचन किया, कहन लगी वे गल सुन, तैनू तेरे गुरु का वास्ता मैं चल के तेरे घर इस करके आई हाँ, वो मेरे घर के बच इको एक मेरी जवान थी अज बीमार पई कह, जे चल के उसका तू इलाज कर देवेगा मौत ते मुंह ते विचों बच जाएगी, नहीं तो वह अज चढ़ाई कर जाएगी। बुढ़ापे का इको एक सहारा, तू चल के उसका इलाज करके उसनों बचा ले।
हुण घर दे विच बैठा वैद सचान सोची जांदा है कहिंदा एक पासे कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने कल दा सुनेहा भेजिया भी वैद सचान असी तेरे घर दे विच आवांगे, दूजे पासे बिरद माई कहिंदी पई भी मेरे घर चल के मेरी जवान धी का इलाज करते बुढ़ापे का सहारा है, जे मैं चला गया तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी कह के वैद सचान तैनू तो पहला किया तू तो दुनिया के बहुता लालची धन कमाने के लिए अज भी तुर गया। बैठिया सोचतिया सोचतिया मन के विचार की कहता कोई नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों के खिमा मंग लवानगा, अपना साजो समान चुकया तो चुक के माई के नाल चल पिया। पहुंच के बिरत माई के घर सवेर तो लैके शाम तक जो भी इलाज करना सी इलाज करके वापस परतिया। रस्ते दे विच वापस आउंदिया मन के सोचता पिया विचारता पिया भी कल की धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी आए होणगे, ते अज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने वेख्या कोएका वैद सुचान तैनू ते खबर दित्ती सी तू घर नहीं रुकिया, अज भी तू धंधे वास्ते तुर पिया, तैनू पहले ही खबर भेज के समझाया सी भी गुरु के सिख भी आउण के घर ते भी जा के प्रशादा पानी भी छकण के, पर तू अपने घर नहीं टिकिया मन ते विच सोचता पिया है। कहिंदा कोई नहीं गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों के विचों खिमा मंगांगा, गुरु साहिब जी के चरणों के विचों जाचना कर लवांगा। जदों वैद सचान इस सोचा सोचतिया सोचतिया अपने घर के दरवाजे ते पहुंचा उस स्थान ते आके वेख्या कहिंदे कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों का जोड़ा उस स्थान ते बार पिया। अंतर जाके जदों देखिया गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी बैठे ने गुरु साहिब जी के चरणों के विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्यारे सिख भी बैठे ने, वेख के गुरु साहिब जी नूं आनंद तो किया गुरु के चरणों के विच नमस्कार की मत्था टेकिया। कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों के हाथ जोड़ के बेनती कर लग्या दाता जी तुसी कदों घर आए हो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी कह लगे वैद सचान जदों तू घरों निकलिया असी उदों ही तेरे घर के विच आ गए स। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी सवेर ते बैठे उड़ीकते पाए हो, हां गुरु के सिखा सवेर ते तेरे घर के विच बैठ के उड़ीक करते पाए हां, और तैनू समझाया सी पुछया सी के दर्शन करन दी जांच आ गई के नहीं आई, अज असी वेख लिया गुरु के सिखा तैनू दर्शन करन दी जांच आ गई, तू गुरु के शरीर ते वल नहीं चलिया तू गुरु साहिब जी ते बचन ते वल चलिया है, गुरु के शरीर के वल नू नहीं चलिया तू गुरु साहिब जी के बचन के वल नू चलिया, तैनू संसार के विच जांच आ गई कि गुरु साहिब जी के दर्शन किवें करने हैं। जिसनू गुरु साहिब जी के चरणों के विच आ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचना ते चलन की जांच आ गई उस संसार के विच सिख गया अपने गुरु साहिब जी के चरणों के विच किवें अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी कह जात रखियो। सानू ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते ने गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानो हर कर कथा निराली, जो कुछ भी गुरु साहब जी कहते उसनू गुरु के चरणों के विच आ के भला करके मान लो। गुरु ने जो भी हुक्म किया कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों के विच आ के जात रखियो, जे असी गुरु साहब जी के हुक्म नू मान लिया फिर गुरु साहब जी दी रहमतां भी साडे जीवन के विच होणगियां। भाई डल्ला बैठा सी ना गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच ते कलगी धर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी कहते भाई डल्लिया मंग तैनू की चाहिदा, ते भाई डल्ले ने कहा सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे चरणों के विच पीड़ी चिन्नी थां मिल जावे।
गुरु नानक साहब जी के घर के बच्चे पीढ़ी चुनी थां प्राप्त हो जाए। तो कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने वचन किया सी, कहन लगे डलिया गल सुन, गुरु नानक साहब जी के घर के बच्चे पीढ़ी चुनी थां की गल करता है, वो एक काम कर, गुरु नानक साहब जी के घर के बच्चे पंचां ते कोलों अमृत की दात लै लै, खंडे की तपाख लैके अपने जीवन के बाणी ते बाणे का धारणी खोचा। गुरु नानक साहब जी के घर के पीढ़ी चुनी थां की गल छड, वो सारे का सारा गुरु नानक साहब जी का घर असी तेरे हवाले कर देंगे। गुरु साहब जी ने कहा सी तू पीढ़ी चुनी थां की गल ना कर, गुरु के हुक्म के चलन की जांच सीख लै। जिस दिन गुरु साहब जी के चरणों के आके गुरु के हुक्म के चल पिया, उस दिन गुरु साहब जी के चरणों के रहमत कुंतियां ने लोक परलोक का हर सुख प्राप्त होता। सो गुरु साहब जी के चरणों के आके सतगुरु जी के दर से जुड़िए। गुरु साहब जी जिस रस्ते चलन वास्ते सानू समझाते हैं, उस रस्ते असी संसार से चल के अपना जीवन बतीत करिए, फिर सानू सारिया थावां ते सुखां की तात अनंत की तात प्राप्त होवेगी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों के अमृतमई बाणी की विचार करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जीवन दियां विचारां करते हैं, खुईयां गलतियां भुलां ती खिमा असीसां त्यो देखो सज्जन असीसणियां, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल। गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटान कोट धनवाद, सारिया संतां का धनवाद, प्रबंधक वीरां का धनवाद, जिन्हां ते उपराले सदका आप समूह संतां ते संस्थान ते दर्शन परसन को रहे ने। सो आओ सारी गुरु के चरणों के पते बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शन प्यासी दिस रात चितवों अंध नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र ते लाही दरबार दियाँ हाजरियाँ भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई नरेंद्र सिंह जी जिन्होंने आप जी ने कथा सरवण कराई है, ओपन सी कथा अज। सो उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ इस तो पहला कि भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी तो उन्होंने कीर्तन जथा जी ने इलाही गुण के कीर्तन सरवण कौन समा उन्होंने है जी 12:40 तक, तो सूचनावान दो तीन साझियाँ कर लवान। एक तो रोज़ पवित्र बाणी सुखमी साहब जी के पाठ सैनिक जी गुरु घर विखे शाम को 7:15 तो 8:30 रोज़ हो रहे हैं जी। 2 तरीक तक ये प्रोग्राम चल रहा है। ये बाणी धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की ही पवित्र मुखारबिन तो उच्चारण हुई सी। सो उन्होंने ही आ रहे शहीदी पुरब न समर्पित है प्रोग्राम शाम का। आप जी ने बहुत सारी संगत आ के जिते लाह लै रही शाम को, आप जी ने भी बेनती है कि आप जी ने भी आके जरूर हाजरी भर के पवित्र बाणी के सुखमी साहब के पाठ करके नाल गुरु साहब दी बख्शा लाओ जी। तो 3 तरीक नूं दिन दे दिन भी आपने शहीदी पुरब मनाना है, संगत नोट कर लो। 3 जून 4 जून नूं सान फ्रांसिस्को विखे समूह गुरु घर वालों एक नगर कीर्तन हो रहा हर साल की तरह, जिते आप जी ने जाने लई बेनती की जाती है। सवेरे 10 बजे आरंभ होना प्रोग्राम, उत्थे 2 बजे तक रहना, गुरु के लंगर उत्थे ही वरताए जाने ने जी। सो अंबासी के नेड़े प्रोग्राम है, उत्थे लाग जाके पहुँचने की कृपा करनी। 6 जून घल्लूघर राज दिवस मनाया जा रहा जी। 14 जून है जी भगत कबीर जी का जन्मदिन, वह भी मनाना आपने। तो 15 है संगरांद, के नाल उस दिन मेरी पीरी मालक धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा भी अपने मनाना जी। तो नाल जिहड़े नवे मैंबर आए उन्होंने मैंबरशिप लैण लई उन्होंने बेनती है, वो अपॉइंटमेंट बना लैण इस नंबर पर कॉल करके 408-835-7712 ते 408-835-7712 ते वो फोन करके अपॉइंटमेंट बना नव गुरु घर की मैंबरशिप लैण लई। आ हुण भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी जिथे बेनती है कि आप जी राजपण के कीर्तन सरवण कराउण जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
तू भगतां के बस भगतां तान तेरा सारा कुछ मालक दे वस विच है हथ विच है सब को तेरे वस अगम अगोचरा पर कह रहे ने तेनू भी किसी ने वस कीता है किन्ने कीता है तू भगतां के बस भगतां तान तेरा जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे भगत रविदास जी मेरे मालका तू मेनू मोह माया विच बन्निया मैं तेनू प्रेम वाली डोरी विच बन्निया सवाल जवाब कैसा कीता भगत जी ने जो हम बांधे मोह फास कहंदे ने हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो भगत जी कह रहे ने मैं ते छुट गया तुहाडा नाम सेवा करके पर तुसी मेरी प्रेम वाली डोरी विचों छुट नहीं सकते एडा भरोसा इन्ना माण गुरसिख जदों अपने गुरु दे नेड़े होके कीर्तन विच्चों गुरु दे दर्शन करदा है ना महाराज कहंदे ने इस धरती ते बैठिया दरगाह दियां खुशियां मिल जांदियां ने ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे आओ आपां सारे भगतां वाली अवस्था विच्चों किणका भी लै लिया ना ते गल बन जाएगी तू भगतां के बस भगता तान तेरा जा तू मेरे बल है तू मेरे बल है तू मेरे बल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किच मैनू मैनू सौंपया जा तेरा बंदा तुद सब किछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा तू भगतां के बस भगता तान तेरा तू भगता के बस भगता तान भगता के बस भगता तान तेरा सब को तेरे बस अगम अगोचरा सब को तेरे बस अगम अगोचरा भगता के बस भगता तान तेरा ना तू आवे बस बहुत घिनावने ना तू आवे बस बहुत घिनावने बेद पढ़ावू
ना तू आवे बस वेद पढ़ा बुने सबको तेरे बस अगम अगोचरा सबको तेरे बस अगम अगोचरा तू भगता के बस भगता दान तेरा तू भगता के बस भगता दान तेरा सबको तेरे बस अगम अगोचरा सबको तेरे बस अगम अगोचरा तू भगता के बस भगता तान तेरा तू भगता के बस ना तू आवे बस तीरथ नहाइए ना तू आवे बस धरती धाइए सबको तेरे बस अगम अगोचरा अगोचरा सबको तेरे बस अगम अगोचरा तू भगता के बस भगता तान तेरा तू भगता के बस भगता तान तेरा सियाण पे ना तू तू आवे बस किते सियाण पे ना तू बस किते सियाण पे ना तू आवे बस किते सियाण पे ना तू आवे बस बहुता दान दे बहुता दान दे ना तू आवे बस बहुता दान दे तीर्थ व्रत अरदान कर मन में धरे गुमान
मन मैं धरे गुमान साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो प्रेम कियो प्रेम कियो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो जिन प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो पढ़ो सारे जिन प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है जिथे प्यार ही नहीं ना इंसानियत नाल भी प्यार जिस परिवारों विच दिलां दियां सांझां नहीं पर्दा है एक दूसरे नाल दिमाग नाल चलना होर गल है दिलां दियां सांझां कुछ होर ने सतगुरु कह रहे ने जिन्हां परिवारों विच दिलां दियां सांझां नहीं उत्थे माहौल उखड़िया उखड़िया जा लगेगा बेचैनी लगेगी शांति नहीं आएगी बैठणगे एक दूसरे नाल जरूर पर गल जेड़ी बननी चाहिदी सी वो नहीं बनेगी प्रेम एक ऐसी पावर है प्रेम एक ऐसी ताकत है सतगुरु कह रहे ने पहला इंसानियत नाल पहला जेड़े रिश्ते बने ना कोई मां कोई बेटी कोई भैन कोई पत्नी कोई तेरी धी इन्हां रिश्तियां नूं परदे चुक के निभाई कहिंदा कुछ होर है करदा कुछ होर है मन कुछ होर कहिंदा है पर तन किते होर तुरिया फिरदा है जिद नाल मसले विगड़ जांदे ने सतपुरशां दे वचन ने जिद नाल मसले विगड़ जांदे ने ते रजामंदी कर लो यही मसले सवर जाते भगत इसी करके कह रहे ने मैं तेनू कच्चे धागे दी प्रेम वाली डोरी विच बन्निया भगत रविदास जी कह रहे ने तुसी पंक्तियां सुनिया ना बे ना तू आवे बस बहुत घिणावने ना तू आवे बस वेद पढ़ावने बहुता ज्ञानी ध्यानी बन के भी नहीं गल नहीं बनती किताबी ज्ञान चुकी फिरे मेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं ना तू आवे बस तीरथ ना ही है मैं सारे तीरथ दर्शन कर ले पर महाराज खंडन करी जाते हैं ना तू आवे बस कितने सियाणपां चतुराइयां सियाणपां भी जीरो ना तू आवे बस बहुता दान दे कोई आखे मैं सब तो ज्यादा माया दिती अस्थान लई भुखियां लई गरीबां लई फिर भी गल नहीं बनती महाराज फिर गल किवें बनेगी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है किसे कवि ने लिखिया कोई भी बीज तुसी सोने दियां डब्बियां विच बंद करके रख दो पर फुलत नहीं होवेगा जिन्ना चिर मिट्टी विच नहीं अपने आप नूं मिलाउंदा मिट्टी विच मिल के ही कणकना कणक दा दाना हजारां दाने पैदा करता है ते सतगुरु पता की कहना चाहुंदे ने जे बीज नू चीर भी दईए ना बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल किसी बीज नू चीर दियो उन्नू भावे मिट्टी विच भी मिला दियो तां भी नहीं गल बनेगी क्योंकि एक नहीं होया एक होके एक दा होके एक विच मिल जाना सब तो वड्डी पावर है ओए गुरु सिखा इत्थे मत्था टेकण दा मतलब यह है मैं सरेंडर किया बाबा अपने आप नू आत्म समर्पण किया हुण तेरी मर्जी नाल जिंदगी जीवांगा
ते सतगुरु कह रहे ने फिर वो प्यार जदों उत्पन्न होएगा ना अंदर, तू भी भगतां वाली कतार विच खलो जाएगा, तू भी ये गल माण नाल कह सकेगा केड़ी, तू भगतां के बस भगतां तान तेरा। बिना रिदम तो एक बारी गाओ सारे, सब दी हाजरी लग जाए। तू भगतां के बस भगतां तान तेरा, भगत कह रहे ने है तेरा ही मैनू माण तान, इहदा मतलब ये नहीं मैं सब कुछ हो गया, बस प्यार भी तुसी मेरे अंदर पैदा किया, हो तुसी सारा कुछ, असा जोर नहीं जे किछ कर हम साके, हर जियो ज्यो पावे तिवें बख्श, हर जियो सब को तेरे बस, मेरे अंदर कुछ नहीं, पर जिन्हां ते तू निहाल हो जाए ना उहदे विच बैठ के खेडा तू ही रचाउण वाला है। तू भगतां के बस भगतां तान तेरा, करो अरदास जी। तू भगतां के बस भगतां तान तेरा, सब को तेरे बस अगम अगोचरा, सारे जपो पाई सब को अगम अगोचरा, तू भगतां के बस भगतां तान तेरा, जपो जी। तू भगतां के बस भगतां तान।